मतभेद आने लगे। तुम कहो कुछ, वो समझे कुछ। तुम्हें बार बार यही लगे आप समझते क्यों नहीं है मुझे। तुम सबसे यही कहती हो, अपने मायके में, अपनी सहेलियों से, मित्रों से, अपने फ्रेंड से, कि मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है। वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, परंतु उसे मेरी बात समझ में नहीं आती। समझ में आए तो मैं ठीक लगूँ उसे, मैं अच्छी लगूँ उसे, मैं समझदार लगूँ उसे, परंतु वो मेरी बात समझता ही नहीं। या यूँ कह लो कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और वो तुम्हारे सामने ना समझने का नाटक कर रहा है। देखो, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, कुछ भोले होते हैं। सच में तुम्हें नहीं समझ पा रहा, तुम्हारी गहराई नहीं समझ पा रहा, तुम्हारी सोच जिस लेवल की है उस विचार को नहीं समझ पा रहा। लेकिन कुछ बहुत धूर्त होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। वो बार बार तुमसे यह जताएंगे कि मैं तुम्हें नहीं समझता। वास्तव में वो तुम्हें पहला ही दिन समझ चुका है कि ये लड़की जो है वो मुझसे कहीं ज़्यादा आगे है, ये स्टेटस में आगे है मुझसे, ये सोच इसकी बहुत अच्छी है, ये विचारों की पवित्र है। परंतु यदि वो इन बातों को तुमसे कह देता है तो फिर उसका रुतबा कम हो जाता है। कुछ पुरुष ऐसा भी समझते हैं, और ये जो चालाक पुरुष होते हैं ये तुम्हें ना समझने का नाटक करते। क्या कह रही हो तुम, मेरी समझ में नहीं आता, क्या बकवास कर रही हो तुम, बेकार की बातें फिर शुरू कर दी तुमने। वास्तव में तुम्हारी बातें उसके लेवल की ही नहीं है, और उसे ये बात मालूम है, अपनी कमियां मालूम है, इसीलिए वो तुम्हें ना समझने का नाटक करता है। ऐसा भी हो सकता है, और कुछ स्थिति में सच में तुम्हारा पति तुम्हें नहीं समझता। तुम दोनों की सोच अलग है, विचार अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो जब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं ना दो लोगों के बीच, ये डिफरेंस आ गए, तुम्हारे और उसके बीच एक खाई आ गई, तब क्या करें, कैसे समानता लाएं दोनों के बीच, कैसे जुड़े फिर से। क्योंकि 7 जन्मों के लिए जोड़ लिया है तुमने उससे अपना नाता। 7 जन्म छोड़ो, इस जन्म तो निभाना ही है, 7 जन्मों का पता नहीं। वो कहता है तुमसे कि अब नहीं रहना चाहता वो तुम्हारे साथ, नहीं निभाना चाहता है वो तुम्हारा साथ, और तुम कहती हो कि मैं समेट लूंगी इस रिश्ते को अपने प्रेम से, अपने सामंजस्य से। सड़क पर झगड़ा शुरू करता है, तेज आवाज में तुम्हें अपमानित करता है, गालियां देता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है ताकि तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो जाए, तुम उसको छोड़ कर चली जाओ, इस रिश्ते में विच्छेद ला दो, उसे कहना ना पड़े कि तुम उसके जीवन से जाओ, तुम स्वयं उसके जीवन से चले जाओ, ऐसे ऐसे अपमानित करता है तुम्हें। कभी कहता है कि तुम्हारे आने से उसका जीवन व्यर्थ हो गया, कभी कहता है कि जब जिस दिन शादी किया था वो उसने तुमसे, उसी दिन उसकी किस्मत खराब हो गई थी। कभी वो तुमसे कुछ कहता है, कभी वो तुमसे कुछ कहता है, ताकि इस रिश्ते को किसी तरह से तुम खत्म कर दो। तो देखो, उसकी इस चालाकी में उसे आगे निकलने मत देना, क्योंकि ये भूलना मत कि तुम विचारों के धनी हो, तुम शक्ति हो, सामंजस्य करने में समर्थ हो। तुम वो जो रिश्ता तोड़ दे, खंडित कर दे, तितर बितर कर दे जिस रिश्ते को, उस रिश्ते को तुम समेटने में समर्थ हो, क्योंकि तुम महिला हो, और महिला हार नहीं मान सकती। जहाँ औरत हार गई तो ये संसार हार जाएगा, ये सृष्टि हार जाएगी, जहाँ औरत हार गई। इसीलिए तुम्हें नहीं हारना, तुम्हें किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना। रिश्ता को तोड़ना चाह रहा, चलो तुम रिश्ते को जोड़ना चाहती हो और समेटना चाहती हो, दे गालियां जितनी देनी है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, इस रिश्ते को जितना खंडित करना है करो। मैं अपने तरफ से यदि ये डोर को नहीं छोड़ूंगी तो फिर संसार में कोई नहीं है जो इस डोर को मेरे हाथ से छुड़वा दे। प्रेम मत कम करना अपने मन में, कितना भी क्रोध है उसकी बातों पर, अपने एक कोने में, अपने मन के एक कोने में पति के लिए प्रेम और सम्मान जागृत रखना, यदि इस रिश्ते को बचाना चाहती हो। फिर बाकी ज्योतिष ज्ञान करेगा ना तुम्हारी मदद। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ 15 वर्षों से लगातार सफल प्रयास किए जा रहे हैं तुम्हें जोड़ने के लिए। तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगी, तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। अनगिनत सफलताओं के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, बहुत खुश रहिए, साथ रहिए हमेशा, सामंजस्य बना रहे आप दोनों में। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए, आनंदित रहिए, साथ रहिए, जोड़ी नहीं टूटने दूंगी आपकी।
विश्वास रखिए परमपिता परमेश्वर पर। आज मैं कह रही हूँ केवल एक चुटकी नमक आपके रिश्ते को टूटने से बचा लेगा। नमक कोई बात तो है, नमक में जो शुक्र है शनि से जुड़ता है, राहु को खत्म करता है। नमक हराम कहते हैं जो नमक खाकर आंख दिखाए, नमक हलाल कहते हैं जो आपके साथ रिश्ता निभाए। नमक डालकर पोछा लगाने से घर की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। नमक बांध कर टांग दो अपने घर में तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती। नमक में कोई बात तो है, तो चलो एक चुटकी नमक आज तुम्हें भी दाम्पत्य सुख दिलाएगा। मैं कहती हूँ बस एक चुटकी नमक इस तरीके से रखना जो मैं कहूँ, उस मंत्र को बोलना जैसा मैं कहूँ वैसे करना, फिर देखो कैसे एक चुटकी नमक तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देता है। दिन शुक्रवार का हो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, सीधे उपाय पर आती हूँ। एक सफेद कागज ले लेना, पेज ले लेना, पन्ना ले लेना बड़े साइज का, एक लाल कलम ले लेना, एक ट्रायंगल बनाना, त्रिकोण बनाना, पेज पर जितना बड़ा हो सके बना लेना। केसर और हल्दी को जल में दे देना, थोड़ा सा जल से हल्दी और केसर को घोल लेना, पेस्ट जैसा हो जाएगा पीला। इसी त्रिकोण पर अपनी इस उंगली से केसर और हल्दी का लेप लगा देना, पहले कलम से, लाल कलम से। तीन लौंग ले लेना, तीनों लौंग पर एक एक बार फूंक मारना, अपने पार्टनर का नाम लेना और एक कोने पर रख देना। दूसरे पर फूंक मारना, अपने पार्टनर का नाम लेना, दूसरे कोने पर, ट्रायंगल में तीन कोना होता है ना, तीनों कोनों पर रख देना। एक चुटकी नमक यानी इतना सा नमक उठाना, साफ सुथरा अच्छा नमक, और एकदम बीचों बीच मध्य भाग में रख देना, जो नाभि का स्थान होता है ट्रायंगल के बीचों बीच रख देना। उसमें एक उंगली डालना अपने, ये उंगली नमक के ऊपर एक गड्ढा सा हो जाएगा, उसमें उंगली डालना। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तीन बार ट्रायंगल में तीन कोने हैं, तीनों के लिए तीन बार नमन करना। आंखें बंद करना, नमक में उंगली रहेगी तुम्हारी, आंखें बंद करना, पार्टनर को याद करना, उसकी अनुभूति करना, तीन बार उसका नाम ले लेना, याद करना उसे। वो झगड़ा कर रहा था तुमसे, गालियां दे रहा था, थप्पड़ मारा कभी उसने तुम्हें, ये सब मत याद करना। हाथ थामा था उसने प्यार से तुम्हारा, अपने घर के अंदर प्रवेश करवाया था, कहा था तुम संगिनी हो मेरी, जीवन साथी हो, सदा साथ चलूंगा तुम्हारे। इस पल को याद करना, ऐसे अच्छे अच्छे पल को याद करना, और सारे कागज को मोड़ कर एक पुड़िया बना देना। जब इस अनुभूति होने लगे पार्टनर की, जब स्मरण करो और वो दिखने लगे तुम्हें, सारे कागज को मोड़ कर पुड़िया बना लेना। एक मौली धागा ले लेना, कम से कम तीन बित्ते का मौली धागा हो, कम से कम, उससे बड़ा चलेगा, छोटा नहीं। और उस मौली धागे से इस पुड़िए को चारों तरफ से लपेट देना, बड़ा धागा चलेगा, पूरा लपेट देना, बंद कर देना, डिबिया सा बना देना, इसे बांध देना, थोड़ा मौली धागा लंबा छोड़ देना, ले जाकर अपने बेडरूम में टांग देना। इसे सोती हो तो जहां लटका रहे या दिखाई पड़े, यदि पति के साथ भी बेडरूम में रहती हो तब भी टांगना, रिश्ता सुधरेगा। यदि मायके में हो तब भी इसे लटका देना, जहां दिखाई पड़े वो तुम दोनों सो और उस तुम दोनों की दृष्टि जाए। कम से कम तीन दिन लटका रहे ये, केवल तीन दिन। तीन दिन के बाद इसे तोड़कर खींच लेना और किसी भी जल में प्रवाहित कर देना। देखो ये नमक कैसे तुम्हारे दुखों को समेट कर ले जाता है, देखो ये नमक कैसे तुम दोनों को जोड़ देता है। सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। वो जो अपशब्द दिन रात कह रहा है तुम्हें, अपमानित कर रहा है, रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, सब शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आ जाएगा तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट कर फिर से, और रहेगा वो सदा के लिए तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें नए भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।